Welcome to a new brand vlog. A day in my life. अच्छा जी, शुरू करते हैं अपने हस्बैंड के लंच से। हस्बैंड का लंच पैक करने के बाद एज यूजुअल आयशा को उठाती हूँ, लेकिन आज आयशा खुद से उठ गई है। मौजा हो गया आज, और ना आयशा को उठाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, तो आज ये मौजा हो गया है। आई होप कि आज पूरा दिन अच्छा गुजरेगा, क्योंकि जब दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन भी अच्छा ही गुजरता है। खैर, आज आयशा उठ चुकी है, उसको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो मुझे रात में बोल के सोई थी कि मामा मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगी सुबह, तो आई सेड ओके, तो इसीलिए शायद वो उठ भी गई जल्दी। वो चेयर लेके आ गई है किचन में, और मैं उसके लिए जो है वो स्पिनच निकाल रही हूँ और उसको वॉश कर रही हूँ। फिर वो अपने लिए ऑमलेट बनाएगी, इसने मुझे बोला था उसको स्पिनच ऑमलेट का सैंडविच खाना है। सो शी इज़ कटिंग स्पिनच, और काफ़ी अच्छा काट रही है वो। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट। नाउ शी इज़ ट्राइंग टू ब्रेक द एग, और उसको भी वो काफ़ी अच्छे तरीके से तोड़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड शी डिड इट। इसने एक दो बार पहले भी अंडे तोड़े हैं, लेकिन आज अच्छा तरीके से तोड़ रहा है। आई लाइक इट। सो ये हमने फ्राई पैन में स्पिनच ऑमलेट डाल दिया है, और अब हम सैंडविच मेकर में ये सैंडविच डालेंगे, और फिर आयशा और मैं नाश्ता करेंगे। मुस्तफ़ा भी उठ चुका है, सो वो भी हमारे साथ खा लेगा इफ ही वांट्स। एंड हियर वी आर, टाडा, शी इज डूइंग इट ऑल हरसेल्फ। शी इज़ इंजॉइंग हर सैंडविच नाउ। और मुस्तफ़ा साहब भी उठ चुके हैं और मेरी गोद में बैठे हैं। खाते कम हैं, वो गिराते ज़्यादा हैं। ही इज़ लुकिंग स्ट्रेट इनटू द कैमरा। खैर, उसके बाद हमने आयशा का लंच बनाया और आयशा का लंच पैक किया, और उसके बाद फिर आयशा रेडी हो गई, और अब वो अपना रिमेनिंग होमवर्क ख़त्म कर रही है। उसकी एक शीट रह गई थी कलरिंग के लिए, तो वो तैयार होके ये कर रही है। और वैन आ चुकी है आयशा की, एंड शी इज़ गोइंग टू स्कूल। और इस किले वाले को देख के मेरा दिल किया कि क्यों ना केले ख़रीदे जाएं और बनाना स्मूदी बनाई जाए। एंड आई लव बनाना स्मूदी। सो हमने केले ख़रीद लिए हैं और हमने बनाना स्मूदी बना ली है, और हम पियेंगे अब। और मैंने केले वाले को बताया कि मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ, तो मुस्कुराने लगा। और मैं लंच के लिए बना रही हूँ सूप, चिकन नूडल सूप। कभी कभी रोटी चावल का दिल नहीं चाहता तो सूप वगैरह चल जाता है, और आयशा को भी बहुत पसंद है सूप, तो मैंने लंच के लिए बनाया है चिकन नूडल सूप। और अब मैं और आयशा इसको पियेंगे, बट मुस्तफ़ा के नहीं पिएगा। सो मुस्तफ़ा के लिए मुझे कुछ और बनाना पड़ा, तो मैंने इसके लिए सोचा कि वेजिटेबल खिचड़ी बनाई जाए। तो दाल और राइस को उसमें डाल दिया, और चिकन, कैरेट और कैबेज, ये तीनों चीज़ें भी डाल दी। उसके बाद लंच से फारिग होकर आयशा का कबर्ड ऑर्गेनाइज किया, और फिर शाम के खाने की तैयारी। और शाम के लिए हम बना रहे हैं गाजर, मेथी, आलू। गाजर, मेथी, आलू मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो हमने बनाई गाजर, मेथी, आलू, टाटा, और रोटियां भी, यू नो, रोटियां तो बनानी ही पड़ती हैं। और आया है मेरा एक पार्सल। इतनी खुशी होती है ना कोई पार्सल आता तो। और ये मैंने मंगाए हैं बच्चों के सर्दियों के कपड़े, थोड़े से अभी मंगाए हैं, थोड़े से नेक्स्ट मंथ मंगाऊंगी। और कपड़े तो बच्चों के दिल जाता है, बस लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। और फिर शाम का स्नैक बनाया था हमने, उसमें पैनकेक्स बनाए थे, चॉकलेट पैनकेक्स। और फिर हमने बनाया है चिकन का सालन, काइंड ऑफ कढ़ाई, बट इट्स नॉट अ कढ़ाई, इट्स काइंड ऑफ सालन।
और उसके बाद हम इन सब चीज़ों से फारिग होकर कुछ वापस करने गए थे स्टोर, कुछ एक्सचेंज करना था बेसिकली। तो उसके बाद जो है वो हम घर आए तो बच्चे जो है वो सफाइयों में लगे हुए थे, दादी ने सफाइयों में लगाया हुआ था बच्चों को कि कल मिलाद है, सब बच्चे सफाई करें। और ये मेरा छोटू भी सफाई कर रहा है, जो भी हम करते हैं ये हमें कॉपी करता है, ही इज़ अ कॉपी कैट यू नो। जो भी आयशा करेगी या जो भी हम लोग करेंगे बस ये हमें देख के वही करता है। सो सब बच्चे जो है वो मिलाद की तैयारी कर रहे हैं, कल मिलाद है सैटरडे को, और सब बच्चे जो है वो सफाइयाँ कर रहे हैं। और यही सब बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिसमें बच्चे खेलते हैं, खुश होते हैं। एंड हियर इज द सैटरडे। सैटरडे को एक छोटा सा मिलाद का प्रोग्राम था हमारे घर पे, मिलाद हो रहा है, मिलाद पढ़ रहे हैं सब लोग। और यू नो इसके बाद होता है खापा, सो बिरयानी इज़ यम। बिरयानी बहुत मज़े की थी और सबने बहुत अच्छे से खाई माशाल्लाह से। और ये सबके पार्सल बन रहे हैं आप देख सकते हैं। और मुस्तफ़ा साहब जो हैं ये अपने बाबा की हेल्प कम कर रहे हैं, उनको तंग ज़्यादा कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं मैं किसी तरह देग में हाथ डाल दूँ। सो ये देग में हाथ डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और बस फिर खापा छापा करके सब कुछ होता है एंड बाय बाय।